आने वाले समय में मजबूती से लड़ना है और मुझे आशा और विश्वास है कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में कब मैं आपका प्रत्याशी बना हूँ, आपका भाई, आपका बेटा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से आप चुनाव जिताएंगे। साथ ही मैं बिहार में खास वर्ग आपको पता होगा कि किसान समुदाय के लिए मैं पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसी तरीके से आप लोग हमें मौका देंगे तो खगड़िया पूरा लोकसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार के युवा के लिए और दिशा तो तमाम हर जाति धर्म के लिए मैं इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहूंगा। साथियों सीट पे आपका सरकार की तरफ से हमको जितना भी तनख्वाह मिलेगा 2-3 लाख रुपया वो हर महीने में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हम अपने समाज खास करके खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में तमाम हर जाति धर्म के लोगों को हम मदद करेंगे। वो 3 हिस्सा में बांटेंगे। एक हिस्सा हमारे युवा को पढ़ने लिखने में जहाँ समस्या है उनको हम लोग सहयोग करेंगे। दूसरा हिस्सा हम गरीब समाज में हमारे माता बहन में बेटी के शादी में अगर समस्या है उनको सहयोग करेंगे। और तीसरा हिस्सा गरीब बुजुर्ग को इलाज करने में जहाँ समस्या होगा दवादारों में वहाँ पर हम खर्च करेंगे। अपने जितने भी हमारे तनख्वाह मिलेगा उसका 1-1 रुपया 100% गरीब जनता में हम डोनेट कर देंगे। गरीब के लिए मैं समर्पित हूँ। साथियों मैं तमाम संविधान में रहकर जो भारत सरकार के तौर पर हमको काम मिलेगा वो विकास का कार्य में कई किंतु परंतु नहीं होगा। विकास जो हमारे दायरे में है निश्चित तौर पर विकास का काम होगा पूरे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में, पूरे बिहार के लिए, पूरे युवा के लिए। इसलिए मजबूती से ये चुनाव आपको लड़ना है क्योंकि मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा आपके लोकसभा क्षेत्र में घूमने का, क्योंकि मुझे कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र में घूमना पड़ रहा है क्योंकि लालू जी ने हम पे भरोसा किया और लालू जी के भरोसे पे मुझे खड़ा उतरना है।